चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर है, जहां पर इस वायरस के चलते पूरे विश्व में कहर बरपा हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। उत्तराखंड में इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जहां पर ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही यहां पर बरतना नहीं चाह रहे हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पर सतर्कता अब बरती जा रही है। तो कोरोना वायरस को लेकर हर राज्य यहाँ पर अलर्ट हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में ज्यादा सावधानियां, ज्यादा चौकसी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। स्कैनिंग की व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर की जा रही है। तो कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क होती भी दिख रही है। कहा जा रहा है कि गृह विभाग से जो निर्देश लेने थे वो ले लिए गए हैं और उसी के तहत अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन पर स्कैनिंग की व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि वहां से आने वाले लोग जो हैं उनकी स्कैनिंग की जा सके, ताकि उत्तराखंड में कोरोना वायरस प्रवेश ना कर ले। जब सोशल मीडिया पर मुझे जानकारी मिली कि नेपाल में कोरोना वायरस का पेशेंट पाया गया है, डेट तो मुझे ठीक से याद नहीं है, तो मैंने तत्काल अपने सचिव स्वास्थ्य से बात किया। फिर भारत के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैंने सवेरे ही मैंने इसको पढ़ा सोशल मीडिया पर। फिर मैंने उनसे बातचीत किया, फिर उन्होंने मेरे सामने ही फ़ोन पर मुझे सुनाया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बात किया और फिर उस पर तुरंत, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं इस पर बगैर होम मिनिस्ट्री के राज्य सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो सीधा होम मिनिस्ट्री से बातचीत करके और तत्काल उस पर व्यवस्था की गई। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार यहां पर जुड़ गए हैं। पंकज, हालांकि जब से कोरोना वायरस को लेकर देश में सतर्कता बरती गई थी, उत्तराखंड उससे पहले ही यहां पर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आ गया था, क्योंकि नेपाल से हमेशा यहां पर अंदेशा होता है कि नेपाल के रास्ते यहां पर उत्तराखंड में कोई दाखिल हो सकता है, और ऐसे में उत्तराखंड में ज्यादा सतर्कता, फिलहाल क्या क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? सही कहा, और नेपाल से होते हुए जो मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में कहा कि नेपाल में जब पता चला कि कोरोना वायरस का एक इफेक्टेड व्यक्ति है और वो हो सकता है वो इंडिया में खटीमा के रास्ते आ सकता है, तो सरकार ने अपनी तरफ से जो स्कैनिंग है वो उसकी व्यवस्था खटीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे की है। और खुद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर जो एहतियात बरते जाने चाहिए थे वो सरकार ने एहतियात बरते हैं, उसमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन दोनों से जो लगातार संपर्क में राज्य सरकार है। और दूसरी बात, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी अगर जो संभावित कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड अभी तक अस्पतालों में भर्ती हैं, वो भी नेगेटिव ही आए हैं, उनमें भी अभी तक कोई ऐसी वायरस कोरोना वायरस का नहीं मिला है, उनको एहतियात के तौर पर जरूर रखा गया है। कुल मिलाकर अभी उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पर कोरोना वायरस का कोई इफेक्टेड मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। जो है वो संभावित है, उनको वो सारे नेगेटिव अभी तक पाए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार की सोच यही है कि किसी भी तरीके से जो थ्रेट परसेप्शन है इस कोरोना वायरस के को लेकर, उससे घबराहट की स्थिति उत्तराखंड में पैदा ना हो, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरीके से सजग हैं और पूरी तरीके से हम इसके लिए तैयार हैं कि हम इस तमाम जो थ्रेट परसेप्शन है उससे ओवरकम कर सकते हैं। चलिए बने रहेगा आप पंकज जी हमारे साथ। तो कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर उत्तराखंड फिलहाल दिख रहा है।